नमस्कार, मैं ज्ञानदेवमणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर वैशाली बिहार, NIOS के DLED ODL कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम 503 के ब्लॉक 3 में वर्णित विषय गद्य शिक्षण पर चर्चा करेंगे। साहित्य शिक्षण पर हमने पूर्व में बातचीत की है, साहित्य की एक विधा के रूप में आज हम गद्य शिक्षण को समझने की कोशिश करेंगे। आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर निरंजन सहाय जी। निरंजन सहाय जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। प्रोफेसर सहाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और लेखन से वर्षों से जुड़े हुए हैं, विशेष करके पाठचर्या और स्कूली पाठ्यपुस्तकों के विकास से। यह हम आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी इस चर्चा में भी प्रोफेसर निरंजन सहाय जी शामिल हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए निरंजन जी, हम लोगों ने पहले जो बातचीत की थी और अपने शिक्षार्थियों तक साहित्य शिक्षण के जिन उद्देश्यों को पहुँचाया था, उससे आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो अगला विषय है वह है गद्य शिक्षण का। साहित्य की विभिन्न विधाओं में गद्य और पद्य मुख्य रूप से जो दो विधाएं हैं, उनमें गद्य शिक्षण पर केंद्रित कुछ बातचीत आज हम आपके साथ करेंगे जी। आपसे पहला सवाल जो शिक्षार्थियों की ओर से मेरा नहीं है, शिक्षार्थी आपसे यह जानना चाहते हैं कि साहित्य संसार में गद्य के आने की क्या कहानी है जी, गद्य आया कैसे? यह हम हमेशा किसी चीज़ को वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ जी। तो गद्य का उद्गम और उसकी थोड़ी विकास यात्रा कम से कम गोमुख से हरिद्वार तक की यदि आप करा देते तो मुझे लगता है कि शिक्षार्थियों के लिए बड़ा लाभप्रद होता। ज्ञानदेव जी, रचने और देखने की आदिम वृत्ति ने जिन अभिव्यक्ति कौशलों को संभव किया उनमें कविता सबसे पहले आई जी। जी, मानव जीवन की लंबी यात्रा के बाद अनेक नई परिस्थितियां, चुनौतियां, सपने, संघर्ष और प्रतिबद्धताएं भी उभरी। ऐसा लगा कि पद्य या कविता के रूपाकार में बहुत बातों को कहने में सफलता नहीं मिल पा रही जी। है। ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक भूमियां भी नए परिवेश का निर्माण कर रही थी। फिर गद्य विधाओं का संसार बना। यह कारण नहीं है कि काव्य सर्जक संसार ने एक जमाने में यह समझा था कि गद्य कवियों का निकष है। खड़ी बोली हिंदी की दुनिया में गद्य का आना एक युगांतकारी घटना थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सुधा की संपादकीय टिप्पणी में 13 अक्टूबर 1933 में कहा, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल गद्य काल है। दरअसल आधुनिक काल के पहले हिंदी साहित्य प्रायः पद्यात्मक ही रहा, लेकिन आधुनिक काल में गद्य का महत्व हिंदी साहित्य का केंद्रीय विषय बन गया। हिंदी गद्य की पूर्व पीठिका आधुनिकता है जी। जी जी, तो भारतेंदु युग में गद्य की मौजूदगी की भी कुछ कोई अलग कहानी है जी। जी, कि भारतेंदु युग में कैसे जी गद्य जी, का जी जी। तो यह जो भारतेंदु युग आता है, जिसे आधुनिक युग का प्रवेश द्वार कहते हैं और जिसे गद्यकाल भी कहते हैं जी, वहाँ पहुँचने के पहले मध्यकालीन चेतना और आधुनिक चेतना में अलगाव के बिंदु को भी हम लोग समझ लें, क्योंकि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है भारतेंदु युग। अब यह समझने की कोशिश करें कि यह जो आधुनिकता बोध है उसका क्या स्वरूप है। आधुनिकता का आधार यथार्थ बोध होता है जी। इसका प्रभाव यह हुआ कि आधुनिक काल का साहित्य काव्य रूढ़ियों, कवि शिक्षा या बंधी बंधाई प्रणाली पर न चलकर अपने इर्द गिर्द के विषयों पर आधारित होने लगा। यथार्थ बोध का मतलब क्या है? यथार्थ बोध का मतलब है यथार्थ की विषमता का बोध। यह कारण नहीं है कि इस युग के साहित्यकारों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
और अन्य तरह की विषमताओं पर खुलकर लिखा। साहित्यिक विषमताओं पर न केवल मुखर हुआ अपितु विषमता को पाटने के लिए व्यग्र भी हुआ। अन्य शब्दों में साहित्य ने विषमता से पीड़ितों के प्रति अपनी पक्षधरता जाहिर की, यानी साहित्य उत्तरदायित्व और सामाजिक चेतना से युक्त हो गया। अधिकांश आधुनिक गद्य विधाओं का जन्म भारतेंदु युग में हुआ। जी जी, इस युग में जन्म लेकर विकसित होने वाली तीन साहित्यिक विधाएं हैं, नाटक, निबंध और उपन्यास। जी, भारतेंदु युग से पहले नाटक के नाम पर मिलने वाली रचनाएं नगण्य हैं, और वे विधायी रूप से नाटक हैं भी या नहीं इस पर मतभेद है। इस युग के उल्लेखनीय रचनाकारों में भारतेंदु के अलावा लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित राधाचरण गोस्वामी आदि ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा से चमत्कृत किया। आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा जैसे विषय इस युग की गद्य रचनाओं की परिधि में शामिल हैं। इन विधाओं ने हिंदी पाठकों में जबरदस्त वृद्धि की। एक बहुप्रसिद्ध रचना के साक्ष्य पर इसे समझें। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए अनेक गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी, ऐसा कहा जाता है। जी जी, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया। वे साहित्य के एक नए युग के प्रवर्तक हुए। द्विवेदी युग को भारतेंदु युग का विस्तार कहा जाता है। द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद आया था। जी, सरस्वती का प्रकाशन हुआ था उसी समय, नागरी प्रचारणी सभा का गठन हुआ था काशी में, और प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाएं भी बनी थी। इन संस्थाओं के माध्यम से हिंदी गद्य और पाठकों की अभिरुचियों का फैलाव हुआ। इस युग की बौद्धिकता ने क्या किया? इस युग की बौद्धिकता ने मुख्य चेतना के रूप में इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता को प्रतिष्ठित किया। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है यथा तथ्य वर्णन, यानी जो दिख रहा है उसी जैसा है उसका वर्णन। अनेक नई गद्य विधाओं का जन्म हुआ इस युग में, यानी द्विवेदी युग में, जिन्हें हम आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा विवरण, रेखा चित्र आदि के रूप में पहचान सकते हैं। दरअसल स्वाधीनता आंदोलन के उस दौर में अनेक नए सामाजिक सांस्कृतिक उभारों ने अस्मिताओं की तलाश और स्वीकृति को भविष्य का लक्ष्य बनाया। अनेक गद्य विधाओं का आना इस युगीन सच्चाई का साक्ष्य है कि अभिव्यक्ति की दुनिया अनंत रूपा होती है। बहुरूपा अभिव्यक्ति कौशलों का बनना और विकसना मानवीय समाज के अधिकाधिक जनतांत्रिक लक्ष्य की ओर बढ़ना भी है। अब यह एक सवाल है कि अभी आपने विभिन्न गद्य विधाओं के एक तरह से विकास की यात्रा बताई या उनके अस्तित्व में आने की जो कहानी है उससे शिक्षार्थियों को परिचित कराया। ये जो अलग अलग विधाएं हैं, गद्य विधाएं हैं, इनके अध्यापन में क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि गद्य विधाओं के अध्यापन में करते समय या गद्य विधाओं के सीखने का माहौल बनाते समय कक्षाओं में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, जब सीखने का जो क्रम है उसमें हम क्या ध्यान में रखें। जी जी, यह प्रश्न उठना एकदम स्वाभाविक है कि वे कौन से तत्व हैं जो किसी रचना को साहित्यिक गुणों से संपन्न कर देते हैं, या अभिव्यक्ति के विविध रूपों को साहित्य संसार ने किस रूप में पहचाना है। एक बात यह भी कि यदि भाषा शिक्षण के नज़रिए से साहित्य की दुनिया में हम जाते हैं तो हमें क्या हासिल होता है। अन्य शब्दों में अभिव्यक्ति कौशलों में कौन से नए आयाम जुड़ते हैं। रिपोर्टाज और रेखाचित्र आधुनिक गद्य की चर्चित विधाएं हैं। इन विधाओं को पढ़ाते समय सबसे पहले यह बताने की ज़रूरत है कि इन विधाओं का स्वरूप क्या है तथा अपनी किन विशेषताओं के कारण ये अन्य समरूप विधाओं से अलग हैं। जी जी, रचना की बुनियादी विशेषता होती है संवाद की ललक और कथन भंगिमा की निजता। लिहाजा यह बताना भी जरूरी होता है कि कैसे कोई रचना उसी विधा की अन्य रचनाओं से अलग। बिल्कुल ठीक बात।
या उस रचनाकार की कथन भंगिमा की निजी विशेषताएं क्या हैं? अब सवाल यह है कि रचना पाठ की भूमिका कैसे बने? वैसे तो हर अध्यापक की भूमिका निर्माण की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य बातें हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है। मसलन, किसी निजी या परिचित सामाजिक घटना से रचना के रिश्ते के साथ पाठ की पूर्व पीठिका तैयार की जा सकती है। उसी तरह किसी अन्य विधा में रचित समान प्रसंगों से भी बात की शुरुआत की जा सकती है। जब रचना से परिचय बन जाए तब उसमें निहित किसी मार्मिक प्रसंग का उल्लेख किया जा सकता है। उल्लिखित प्रसंगों के बाद का क्रम है विधागत विशेषताओं का विश्लेषण, यानी कौन सी रचना किस विधा में है। कोई रेखाचित्र हो सकती है रचना, कोई संस्मरण हो सकता है, कोई निबंध हो सकती है रचना। गद्य विधाओं के शिक्षण की बात तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम यह समझ नहीं बना पाए कि गद्य विधाओं के अध्यापन से हम क्या हासिल करते हैं। बिल्कुल, आप यह भली भांति जान चुके हैं कि साहित्य के दो रूप मुख्यतः प्रचलन में हैं, गद्य और पद्य। गद्य में भाषा का जीवंत निखरा हुआ और मानक रूप प्रकट होता है। भाषा के शुद्ध और परिनिष्ठित रूप को सीखने के लिए गद्य साहित्य के पाठों से विद्यार्थियों को परिचित कराना जरूरी है। गद्य पठन में भाषिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने कराने का विशेष अवसर मिलता है। भाषिक तत्वों में भाषा के घटकों, ध्वनि, रूप, पदबंध, वाक्य आदि का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त शब्द भंडार, वाक्य संरचना, अनुच्छेद रचना, मुहावरों, लोकोक्तियों का शिक्षण भी गद्य शिक्षण का अभिन्न अंग है। गद्य पाठ विद्यार्थियों को सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि विधाएं आती हैं। प्रत्येक विधा की अपनी अपनी शैली होती है। गद्य शिक्षण अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को गद्य की अनेक विधाओं और शैलियों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। जी जी निरंजन जी, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हम यह जानना चाहते हैं कि गद्य की जो एक महत्वपूर्ण विधा है कहानी, और आमतौर पर हमारी पाठ्य पुस्तकों में कहानियाँ अधिक हैं, तो कहानी शिक्षण की प्रक्रिया पर कुछ आप हमें अवबोधित करते, हमारा ज्ञान बढ़ाते तो बढ़िया होता। यानी कहानी शिक्षण की प्रक्रिया के संदर्भ में हम आपसे कुछ जानना चाहें। जी जी, कहानी शिक्षण के विविध संदर्भ हैं। इसके माध्यम से भाषा शिक्षण तो होता ही है, अन्य विषयों के शिक्षण में भी कुशल शिक्षक कहानी माध्यम का सफलतापूर्वक उपयोग करते जी, हैं। जी, मशहूर शिक्षा शास्त्री गिजू भाई ने विद्यालय शिक्षण में कहानी की उपयोगिता पर एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की, कथा कहानी का शास्त्र उस किताब का नाम है। जी, उनके अनुसार कहानियों का बच्चों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। कथा पात्रों और घटनाक्रम से परिचित होते हुए वह एकात्म भाव विकसित होता है। इस एकात्म भाव में माता पिता और बालक, शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से प्रगाढ़ परिचय में आते हैं। उनके बीच उम्र और ज्ञान का अंतर मिट जाता है और वे एक दूसरे के बन जाते हैं। इससे उनके बीच विश्वास, प्रेम और सहानुभूति अपने आप प्रकट होती है। इस मधुर संबंध से घर की, विद्यालय की या समाज की व्यवस्था के सवाल अपने आप हल हो जाते हैं। कहानियाँ सुनाने वाले माता पिता तथा अध्यापकों का अनुभव है कि कहानियाँ सुनने में रुचि लेने वाले रसिक विद्यार्थी व्यवस्था संबंधी सभी नियमों को बहुत आदर देते हैं। कहानी कहना अपने आप में कौशल है जिसमें प्रवीण होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। अतः कहानी कहने या पढ़ने से पहले कुछ आधारभूत बातों को जानना जरूरी है, जिसकी ओर आपका इशारा भी था। कहानी शिक्षण के लिए शिक्षक का स्वयं भी कहानी में रुचि लेना और कहने में कुशल होना जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों में भावानुभूति एवं रसानुभूति की भावना विकसित कर सके। कक्षा में कहानी पाठन या वाचन के साथ कहानी कहन पर बल दिया जाना जरूरी है, क्योंकि कहने से कहानी में एक नवीनता आ जाती है। कहानी को क्रमबद्ध और प्रवाह के साथ शुरू से आखिर तक
कहा जाना चाहिए जी। इससे कहानी की अंतर्वस्तु बची रहती है। कहानी के माध्यम से ध्यान देने की बात है कि कहानी के माध्यम से नीति या आदर्श की बात बताते समय काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। कहानी समाप्त होते ही शिक्षक द्वारा यह पूछना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ठीक नहीं है। यह वैसे भी यह भाषा को शिक्षण या साहित्य शिक्षण के नज़रिए से कि हम साहित्य में ही यह तलाश शुरू कर देते हैं कि इससे आपको किस तरह की नैतिक शिक्षा मिलती है, शिक्षा नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा मिलती है, फिर वहाँ मुझे लगता है कि साहित्य और भाषा शिक्षण के उद्देश्य गौण हो जाते हैं और प्रधान हो जाता है कि इस पाठ से आप किस तरह की नैतिकता बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। इन कहानी के साथ साथ कुछ अन्य विधाएँ भी साहित्य में हैं जिनके अध्ययन अध्यापन की सुविधा या सहूलियत पाठ्यक्रम में है। नाटक भी उनमें से एक महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ अन्य विधाएँ भी हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहानी शिक्षण के साथ साथ हम यह भी चाहेंगे कि आप अन्य विधाओं पर भी हमारे शिक्षार्थियों को दृष्टि संपन्न बनाएं। जी ज्ञानदेव जी, नाटक पर हम लोग बातचीत करेंगे, और लेकिन उसके पहले जो आपने नैतिकता के सवाल को उठाया था उस पर एक बात मुझे कहनी है। नैतिकता रचना में अंतर्भुक्त होनी चाहिए, यानी रचना में वह शामिल होनी चाहिए। यदि शामिल हो नैतिकता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह अलग से यदि गुथी जाए, उपदेश परक शैली में हो, तब वह एक घोषणा लगती है। बिल्कुल, जबकि रचना का काम घोषणा करना नहीं है। कहानी शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो उनको फिर आप ईमानदारी से उसका पालन नहीं कर सकते। जी जी, फिर आप वास्तव में कहानी शिक्षण नहीं करते होते हैं, फिर आप वास्तव में नैतिक शिक्षा का कोई पाठ पढ़ाते होते हैं या कोई उपदेशात्मक पाठ उनको पढ़ाते होते जी हैं जी, जो एक तरह से एक तरफा है जी। जबकि कहानी में अनंत संभावनाएं हैं, आप कहानी से कविता की ओर जा सकते हैं, कहानी से नाटक की ओर जा सकते हैं, कहानी से एकांकी की ओर जा सकते हैं। उन तमाम संभावनाओं को हम तब बंद कर देते हैं जब हम केंद्रित कर देते हैं कि इस पाठ में तो हमें यही सिखाना है जी, कि बच्चे सदा सच बोलें। जी जी, तब परेशानी होती है। याद कीजिए प्रेमचंद की मशहूर कहानी नमक का दारोगा। जी जी जी, पूरी कहानी में कहीं नहीं कहा गया है बिल्कुल बिल्कुल कि अधिकारी को ईमानदार होना चाहिए, कहा ना गया हो, लेकिन अब आप पढ़ाने लगे कहानी से एक यह संदेश निकलता है। तो यानी नैतिकता अलग से नत्थी की हुई नहीं है, वह पाठ के बीच से अपने आप उभर जाने वाली वह अनबोली आवाज है बिल्कुल, जिससे जीवन जिसको मतलब पढ़ने वाला या जिस तक ये कहानी पहुंचती है वो पकड़ सके जी। कहानी या पाठ ऐसा हो कि उसके जो संदेश हैं वो पकड़ने में परेशानी न हो जी। यदि उसके उन संदेशों को हम पकड़ ही नहीं पा रहे जी, तो अलग से थोपे जाने से मुझे नहीं लगता कि उसमें ना तो आप साहित्य का शिक्षण कर पाएंगे और न ही नैतिक शिक्षा का शिक्षण कर पाएंगे आज के संदर्भ में। तो शिक्षार्थियों को विशेष ध्यान इस पर रखना चाहिए, हमारे जो डीएलएड के शिक्षार्थी कि इससे क्या नैतिक नहीं। अमूमन हम यही करते हैं हर पाठ में, गणित में यदि आप जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ा रहे हैं तो बच्चा वही सीखेगा। गणित की किताबों में आपको ये सवाल नहीं मिलेंगे कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। आमतौर पर हिंदी और संस्कृत के पाठों में ये बहुतायत पाया जाता है। मुझे लगता है कि इस पर सभी शिक्षकों को, आप सभी शिक्षक हैं डीएलएड पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए ऐसे सवालों पर। अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूँ निरंजन सहाय जी से कि वो गद्य शिक्षण की अन्य विधाओं पर भी अपनी टिप्पणी दें जी। नाटक के साथ साथ जो अन्य विधाएं हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। जी 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 जी, नाटक पर हमारी बातचीत हो रही थी तो नाट्य अध्यापन की बारीकियों से परिचित होना जरूरी है। नाटक एक महत्वपूर्ण गद्य विधा तो है ही, यह अध्यापन कला का भी एक जरूरी तत्व है। जी जी, शिक्षा शास्त्री गिजू भाई को मैं फिर याद करूंगा, उन्होंने लिखा है कि शिक्षण काल में नाट्य प्रयोग को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। उनके मुताबिक ऐसी शिक्षा पद्धति में बाल स्वभाव और बाल रुचियों को अधिक से अधिक स्थान दिया जाता है। नाटक में संवाद होते हैं, हालांकि संवाद अन्य विधाओं में भी हो सकते हैं, पर वहां इसकी अनिवार्यता नहीं होती। इसमें अभिनेता की अनिवार्यता होती है, इसलिए जिस नाटक एकांकी को रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता उसकी सफलता संदिग्ध ही रहती है। पुराने जमाने में नाटक को देखा सुना जाता था, इसलिए इसे दृश्य श्रव्य विधा के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि आजकल इसका पठन भी किया जाता है।
भरत मुनि के अनुसार किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहते हैं। अतः छात्र छात्राओं की अनुकरण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को इसमें पोषण मिलता है। नाटक एकांकी एक रागात्मक रचना है। इसमें मानवीय भावों का प्रदर्शन बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से होता है। नाटक पढ़ने या देखने से भावों का उद्रेक बहुत तीव्र होता है। तो यह जो नाटक है, कहा जाता है कि पुराने जमाने में पाश्चात्य काव्यशास्त्र में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, विरेचन। और उसका संदर्भ यह होता था कि जब आप किसी रचना से गुजरते हैं तो आपकी जो वृत्तियां हैं वह उद्वेलित होती हैं, और फिर उद्वेलित होने के बाद किसी ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती हैं जहां पहुंचकर आप एक नई अनुभूति, एक नई समझ के साथ आप प्रकाशित हो जाते हैं। जी जी। तो नाटक में इसकी संभावना अधिक है। अधिक है। हम लोग निबंध अध्यापन पर भी थोड़ी बातचीत कर लें। जी जी। निबंध अध्यापन गद्य अध्यापन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूंकि निबंध अध्यापन एक विस्तृत प्रसंग है, इसलिए इसके बारे में एक स्वतंत्र व्याख्यान से अपनी समझ बना पाएंगे, जो इस कार्यक्रम से अलग हिस्से में शामिल है। गद्य की कुछ अन्य विधाओं के अध्यापन के संदर्भों पर कुछ समझ हम लोग बनाने का प्रयास करें। आइए हम रिपोर्टाज की बात करें। किसी घटना को संवेदनशील सजीवता के साथ इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि वह अखबारी समाचार की निर्जीव तटस्थता से आगे बढ़कर मनुष्य की समग्र चिंताओं और उसके सौंदर्य बोध को प्रकट करे, तब हम उसे रिपोर्टाज कहते हैं। जी जी। हिंदी साहित्य कोश भाग दो के अनुसार रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से इसका गहरा संबंध है। रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य साध्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्यतः समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। जी। अक्सर रिपोर्टाज की चर्चा करते समय अखबारी समाचार से उसके अंतर को स्पष्ट किया जाता है। यानी कोई घटना होती है तो अब आप उसका यथातथ्य वर्णन कर देते हैं। हाँ। तो वह रिपोर्ट है, सिर्फ तथ्यात्मक खबर दे देते हैं। जी जी। लेकिन उसमें यदि मानवीय संवेदना का पुट डालते हैं, जैसे कोसी की बाढ़ को लेकर फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जैसे लिखा था, तो वह केवल बाढ़ नहीं रह जाती है। बिल्कुल। बाढ़ के भीतर पनपने वाले, बाढ़ के बीच पनपने वाले जीवन राग की भी बात है उसमें। उस विनाश लीला का भी वर्णन होता है मानवीय संवेदनाओं के साथ। तब वह रपट नहीं रहती बल्कि एक साहित्यिक रचना में रूपांतरित हो जाती है। रिपोर्ट या रपट में जहां सूचना संयोजन और तटस्थ अभिव्यक्ति का संकलन महत्वपूर्ण है, वहीं रिपोर्टाज में सूचना संयोजन से अधिक समग्र मनुष्य की तलाश महत्वपूर्ण है। और तटस्थ अभिव्यक्ति की जगह संवेदनशीलता का पुट उसे आत्मीय पाठ की विशेषता प्रदान करता है। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों में रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती जैसे नाम लिए जा सकते हैं। एक अन्य गद्य विधा है रेखाचित्र। जी जी। और रेखाचित्र की जब हम बात करते हैं तो संस्मरण की भी बात करते हैं, लेकिन पहले रेखाचित्र पर हम लोग बातचीत कर लें। रेखाचित्र भी गद्य की आधुनिक विधा है। इसके अध्यापन के सिलसिले में यह जानना चाहिए कि रेखाचित्र का जन्म और विकास कहानियाँ उपन्यासों के बाद हुआ। प्रायः रेखाचित्र की बात करते समय लगभग समान गद्य विधा संस्मरण का भी नाम लिया जाता है। लिहाजा यह जरूरी है कि इन विधाओं की प्रकृति स्पष्ट करने के साथ ही इनके बीच मौजूद सूक्ष्म अंतरों पर भी एक नज़र डाली जाए। रेखाचित्र को अंग्रेजी के स्केच का पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। रेखाओं और रंगों की बहुलता को महत्व न देकर यदि कोई चित्रकार इन्हीं गिनी रेखाओं के माध्यम से एक सार्थक रूप गढ़ ले, तब उसे स्केच कहते हैं। उसी तरह रेखाचित्र लेखक कम से कम शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का अंकन कर देता है। संस्मरण में स्मृति की केंद्रीय भूमिका होती है। यानी जहां रेखाचित्र देश को महत्व देता है, वहीं संस्मरण स्मृति को। यह समझना भी जरूरी है कि दोनों की विशेषताएं एक दूसरे में नजर आ सकती हैं, पर हम पृथकता के लिए यह देखेंगे कि रचना में केंद्रीयता किसे हासिल हुई। यानी
जब रेखा चित्र और संस्मरण दोनों की बात करें हम, तो रेखा चित्र में चित्रण की प्रधानता होगी और संस्मरण में स्मृति की प्रधानता होगी। यदि किसी रचना में चित्रण की प्रधानता है तो हम उसे रेखा चित्र कहेंगे, और किसी में स्मृति की प्रधानता है तो हम उसे संस्मरण कर कहेंगे। एक और अंतर की ओर भी लोग ध्यान देते हैं, संस्मरण प्रायः महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर आधारित होता है, जबकि रेखा चित्र किसी भी सामान्य आदमी पर लिखा जाता है। जैसे हम रविन्द्रनाथ ठाकुर पर संस्मरण लिख सकते हैं, लेकिन किसी अपरिचित किसान पर हम रेखा चित्र लिख सकते हैं। फर्क यही होगा कि एक में स्मृति की प्रधानता होगी और दूसरे में चित्रण की प्रधानता होगी। जहाँ तो रेखा चित्र का विषय घिसा हो सकता है महादेव वर्मा जी का, जी जी जी, तो संस्मरण के लिए महादेव वर्मा जी हो सकते हैं। हाँ जी जी, ये जो रेखा चित्र और संस्मरण के अध्यापन के विविध तरीके हैं जी, उस पर ध्यान देते समय विधाओं के अंतर और विधाओं के अंतर के बताने के साथ ही साथ यह बताना जरूरी है कि दोनों में फर्क क्या है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे जी। और रेखा चित्र में चित्रण की प्रधानता और संस्मरण में स्मृतियों की प्रधानता। मैं महादेवी वर्मा के ही साहित्य संसार से यदि उदाहरण लेकर आपसे बात करना चाहूं, तो उनकी स्मृति की रेखाएं एक किताब है, उसमें उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान को याद किया है, तो वह संस्मरण का एक रूप है। और दूसरी तरफ जो उनके बहुत सारे रेखा चित्र हैं, जैसे गिल्लू है या गौरा गाय है और रामा है, घीसा भी है, घीसा है, इन सभी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तब वे उन दृश्यों की जीवंतता पर खास ध्यान देती हैं। जैसे गौरा गाय का परिचय देते समय वो बताती हैं कि उसका शरीर कैसा है, उसके कान कैसे हैं, उसकी पूंछ कैसी है, और फिर एक तरह से पूरा दृश्य उभर कर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन जब वे बात करती हैं किसी साहित्यकार पर, जैसे निराला पर बात करती हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान पर बात करती हैं, तो उसमें स्मृतियों के बहुत सारे मंजर नज़र आते हैं। गद्य विधाओं के अध्यापन के बारे में बात करते समय हमें दो चार मोटी मोटी बातें समझ लेनी चाहिए। पहली तो बात यह कि गद्य का आना किस तरह से एक युगांतकारी घटना है। बिल्कुल, वह आधुनिकता की चेतना को पैदा करने वाली बात है। आधुनिकता की चेतना और गद्य दोनों का आगमन एक साथ होता है। आधुनिकता का मतलब होता है उस विषमता बोध से परिचित होना, जिस विषमता बोध के बल पर हम समाज में व्याप्त असमानता को पहचानते हैं और उसमें साहित्य की भूमिका रेखांकित करते हैं। और आधुनिक काल ने साहित्य को यह समझ दी कि उसे किसके पक्ष में खड़ा होना है, उसे वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, प्रताड़ितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उनके पक्ष में खड़ा होना है और मनुष्य के विकास की संभावनाओं को समग्र रूप में देखना है। यानी समग्र मनुष्य की परिकल्पना साहित्य का उद्देश्य है, और आधुनिकता की चेतना और गद्य दोनों ने साथ आकर साहित्य के इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। एक तो यह बात कि किस तरह से आधुनिकता और गद्य विधाओं का एक अटूट संबंध है, अध्यापक अध्यापिका को इस बात को याद रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि वह मध्यकालीन चेतना से अलग है यह आधुनिकता बोध। जी जी जी, और उसमें यह ध्यान देना है कि जब हम विधाओं पर बातचीत करते हैं, जैसे कहानी है या निबंध है या रेखा चित्र है या संस्मरण है, तो सबसे पहले हमें उन विधाओं की विधागत विशिष्टता के बारे में बताना पड़ेगा। और लेकिन विधागत विशिष्टता के पहले, यानी उन विधाओं की समझ पहले देनी होगी। जी जी, और उन सीधे सीधे यदि उन विधाओं पर बातचीत की जाए तो वो एक नीरस बात हो जाएगी। हमें किसी दृश्य से या किसी घटना से या किसी रोचक पहलू से अपनी बात शुरू करनी पड़ेगी, फिर विधाओं के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, जिस विधा का हम अध्यापन करने जा रहे हैं उस विधा की जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद उस रचना में व्याप्त संवेदना के विविध पहलुओं का अध्ययन करना पड़ेगा, और संवेदना की उन विविध पहलुओं के अध्ययन के साथ ही एक और बेहतर बात यह हो सकती है कि हम कक्षा में उपस्थित लड़के या लड़कियों, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके जीवन से संबंधित, उनके परिवेश से संबंधित उसी विधा में किसी रचना को लिखने के लिए प्रेरित कर सकें। तो ये तमाम बातें गद्य विधाओं के अध्यापन से जुड़ी हुई हैं, जिन पर हम ध्यान देते हैं और अपनी समझ बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, आपने आज की चर्चा में हमारे साथ साहित्य शिक्षण के अंतर्गत
जो गद्य शिक्षण का हमारा की हमारी इकाई है। ज्ञानदेव जी, एक बात रह गई। जी बात यह थी कि गद्य विधाओं के अध्यापन के साथ हमको यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जी कि कोई भी मानक तय करने के पहले यह याद रख लेना चाहिए कि हर शिक्षक या शिक्षिका का अपना एक व्यक्तित्व है और वह अपने तरीके से विषयों का अध्यापन करता है। तो इन सारी चर्चाओं के साथ ऐसा संभव है कि उसके पास अपनी बात कहने का या विधाओं के अध्यापन कोई और का तरीका हो, कोई और तरीका हो, उसके पास कोई निजी तरीका हो, जिस जो उसका आजमाया हुआ तरीका हो, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। मतलब अपने अनुभव से जो कुछ किसी शिक्षक ने हासिल किया है या शिक्षिका ने हासिल किए हैं तो उसका भी उपयोग करना चाहिए। यदि प्रभाव आपको लग रहा है कि गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति हो रही है तो उसे भी किया जा सकता है। आज की चर्चा में आपने विस्तार से हमें साहित्य संसार में हिंदी साहित्य में गद्य के आने की कहानी और आधुनिकता बोध से लैस होने तक की हिंदी की जो एक यात्रा है, बरास्ता, भारतेंदु, सरस्वती प्रेस, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और उसी के समानांतर कुछ शिक्षाई हिंदी के बनने विकसने की भी जो बात है, क्योंकि जब गद्य का शिक्षण एक तरह से जब गद्य आता है मुझे लगता है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा में अपने बदले हुए रूप में हिंदी शामिल होती है और विशेष करके माध्यम भाषा तो वो बन ही नहीं सकती थी यदि गद्य इसके हिस्से न होता, यानी आधुनिक गद्य न होता। आपने गद्य की जो के जो विविध रूप हैं उनके बारे में बताते हुए उनको किस तरह से हम बरतें या जानें या सीखें यह विस्तार से बताया। मुझे लगता है आज की चर्चा में हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे शिक्षार्थियों को इस गंभीर विषय पर चिंतन, मनन और निधिध्यासन तीनों के लिए ही पर्याप्त सामग्री मिली होगी। और आपसे अपेक्षा है कि आप निरंजन जी ने अभी अभी जो बातें आप तक पहुंचाई हैं आप उस पर चिंतन करें, मनन करें और निधिध्यासन के बाद अपने निष्कर्ष पर बढ़ें। इन्होंने आपको ये छूट भी दी है कि यदि आपके पास और भी कोई तरीका है, आजमाया हुआ तरीका, यानी जिससे हम गद्य शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं तो आप उसे भी करते रहिए। और शिक्षा शास्त्र में नवाचार के अंतर्गत उसके लिए तो हम सबके पास पहले से ही स्थान उपलब्ध है। तो आज की इस चर्चा के लिए निरंजन सहाय जी का और आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।